व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी हमें रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो कल हमारी वीडियो नहीं आई थी, मामा की थोड़ी तबीयत हो गई थी खराब। मामा अभी भी गई हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने। तो आज मैंने सोचा मैं कुछ छोटा सा नया सा ब्लॉग कर लेता हूँ। तो मैं दुकान पर गया था, मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी। दुकान पर गया था शॉप पर, वहाँ मुझे कुछ दिखा, आपको भी दिखाते हैं। तो मुझे ये मिला बंद, और ये साथ में अंडा, और ये खीरे, और ये मायोनी थोड़ी सी पड़ी है, और मैं और भी थोड़ी चीज़ें डाल के एक्सपेरिमेंट करते देखते क्या बनता। बर्गर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते कैसा बर्गर बनता। तो ये मैंने काट लिया, और ये ऑमलेट गर्म करते हैं, फिर आपको बना के दिखाते हैं गर्म करते हैं। तो सॉरी व्यूअर्स, मेरे कहने का मतलब ये है ऑमलेट गर्म करते हैं। सॉरी व्यूअर्स, मेरे से बार बार एक गलती हो जा रही है। तो अंडा मैंने फेंड लिया और ऑमलेट अब बनाते हैं। तो ये लोग गर्म, पहले मैं ये ब्रेड गर्म कर लेता हूँ जो है। तो व्यूअर्स ये मेरा गर्म हो गया, तो अब ऑमलेट फ्राई करते हैं। जी मैं अब ऑमलेट डालता हूँ। तो व्यूअर्स अब मैं रेडी करते हैं। पहले सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ये ऑमलेट लगा के ऊपर मायोनीज़ लगा दूँ, ऐसे सही रहेगा। मायोनीज़ लगा के मैं सोच रहा हूँ मायोनीज़ लगा के या फिर वो ऑमलेट लगा दूँ। तो व्यूअर्स मैं मायोनीज़ पहले लगाने लगा, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी लगाता हूँ। तो ये मैंने एक साइड पे लगा ली मायने, अब दूसरी बेड पे लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा जल गया, मेरा ध्यान ऑमलेट की तरफ से, ऑमलेट कहाँ रखा, जब मैंने देखा ये थोड़ा सा जल गया तब उस पर लगाते हैं। तो मैं ऑमलेट कट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से लगाते हैं फिर। अब इसके ऊपर मैं सलाद वगैरह डालते हैं। तो मैं ऐसे लगा लूँगा सारे जितने भी हैं, फिर उसके ऊपर प्याज डाल के फिर केचप डालते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा प्याज लिया, तो अब प्याज डालते हैं। अब इसके ऊपर केचप डालते हैं। तो ये मैं निकाल लेता हूँ। बन गया, अब इसके ऊपर दूसरी साइड लगाते हैं। तो ये मेरा सैंडविच बन गया, आई मीन बर्गर। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।